कांग्रेस जलाना चाहती थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला, लेकिन थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अरविंद दांगी ने नहीं जलने दिया पुतला। दरअसल कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था। शहर के अनेक स्थानों पर यह प्रदर्शन हो रहा था। सेवाग्राम पर एक पुतला दहन किया जाना था। जैसे ही इसकी सूचना सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी को लगी, तो अपने दल बल के साथ सेवाग्राम पहुंच गए और नरेंद्र मोदी के पुतले को उन्होंने अपने कब्जे में लिया और गाड़ी में रख दिया। कुछ कार्यकर्ता उनके पास आए तो उन्हें भी थाना प्रभारी ने भगा दिया। इसकी सूचना जैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लगी, तो उन्होंने डाकखाने चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही स्टेडियम के पास भी एक पुतला दहन किया जाना था, उसको भी पुलिस की टीम ने छुड़ा लिया। डाकखाने चौराहे पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। जब ये प्रदर्शन हो रहा था, तब पुलिस की टीम भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थी। जैसे ही वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनके ऊपर पानी की बौछार कर दी, तो कांग्रेसी यहां से वहां तितर बितर हो गए। कांग्रेसियों का देर तक प्रदर्शन चलता रहा। वह चौराहे के समीप ही बैठ गए और जमकर नारेबाजी और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। काफी देर तक उनका प्रदर्शन चलता रहा और पुलिसकर्मियों से झूना झपटी होती रही। हालांकि तीन स्थानों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन होना था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते कांग्रेसी पुतले को दहन नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी की इस तानाशाह सरकार ने, इस घमंडी सरकार ने, इस भ्रष्टाचारी सरकार ने उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया है। उसी तारतम्य में आज छतरपुर जिले में मुख्यालय पर माननीय हमारे विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, माननीय पूर्व विधायक शंकर प्रताप जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने कांग्रेस कार्यालय से जाकर के गांधी जी की प्रतिमा पर बैठ करके सत्याग्रह किया है। और हम कहना चाहते हैं मोदी जी को कि माननीय राहुल गांधी जी को बोलने दो, क्योंकि राहुल गांधी जी देश की आवाज है, देश की जनता की आवाज है। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोल रहे थे, महंगाई के मुद्दे पर बोल रहे थे, अडानी के मुद्दे पर बोल रहे थे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया है। इस तारतम्य में आज हम लोग सब एकत्रित हुए और सत्याग्रह किया। आज हम लोगों के ऊपर पुलिस ने मोदी का पुतला जलाने का प्रयास किया, पुलिस ने हम लोगों के ऊपर पानी की बौछार की है। तो हम निंदा करते हैं मोदी सरकार की। पुतला भी छीना है पुतला भी छीना है पुलिस ने, चौराहे पर भी। हाँ, तीन तीन पुतले छीने हुए हैं पुलिस ने हमारे, और पानी की बौछार हम लोगों पर डाली है। आज हम लोगों ने चक्का जाम प्रदर्शन किया है और हमारे नेता राहुल गांधी है, न डरे हैं, न डरते हैं, न डरेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी के साथ में खड़ी है। हम जब तक लड़ाई